भाजपा की सरकार है, ठीक है। तो आप लोग गांव में काम हुआ है, खेती को लेकर, किसानी को लेकर कुछ काम नहीं हुआ है? कोई काम नहीं हुआ है। क्या क्या समस्या है बाबा? समस्या रह काम तो करे रहा विवेक बाबा समस्या है, नहीं चला सकना चला नहीं चाहिए और समस्या कैसी छोड़ दिया। मतलब आपको समस्या कुछ सुनने नहीं आ रहा है, गंदा पानी का निकासी नहीं हो रहा है, समस्या आपका है। तुम देख कर चाहिए, देखा ही होगा। हाँ देख, चकबंदी का भी समस्या है क्या? चकबंदी, हाँ खेत बोर्ड पर, हाँ वो जो विधायक हम जीते हुए हैं यहाँ सुनील तली है, वो कभी नहीं आए हैं। हाँ कभी नहीं आए हैं। अच्छा तो आप लोग बलराम तांगे को सपोर्ट करेंगे कांग्रेस को? कांग्रेस को उम्मीद करते हैं आप लोग? उम्मीद तो बना टिकट। अच्छा जो जिसको टिकट मिलेगा उस अनुसार आप तय करेंगे इसी तरह? हाँ तो ये जो हम जहाँ बैठे हुए हैं वो गाँव का चौपाल है। तो ये चौपाल आप लोग गाँव के लोग मिलकर बनाए हैं, मिलकर बनाए हैं। इसमें सरकार कुछ फंड नहीं देती है, पंचायत में प्रतिनिधि या कोई भी विधायक है कोई नहीं। आप लोग कभी मांग किए कि नहीं इसके लिए? मरम्मत कराइए, तो आप लोग का धरोहर है गाँव का। आप लोग बैठते हैं, बातचीत होती है, तो दादा परदादा का लोग होगा। कोई सामाजिक कार्यक्रम काम होता तो यही होता होगा, आपका धरोहर है। आप लोग मतलब आप लोग गाँव को लोग मिलकर लोग मेंटेन कर रहे हैं, कोई मतलब सहयोग नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग सरकार से ना खुश हैं? खुश नहीं है। और कोई समस्या आप लोगों को गाँव में? गाँव की और समस्या जैसे आप लोग गंदा पानी का निकासी नहीं हो रहा है, और क्या समस्या? पीने का पानी आता है? समस्या यह है अगर भाई उम्र गए साहब तो ठीक से करोड़ पुरानी मजबूत उसकी शादी हो जाती है। पानी बनता है, पानी का घड़िया कटी हुआ और लंबे कोने बनानी पड़े घर का लंबे कोने टीम का है वो बिजली भी आती है जैसे। हाँ बाकी गली उली मरम्मत खुला है, स्कूल स्कूल है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, पढ़ाई वढ़ाई होती है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। मतलब आप लोग का इमरजेंसी आएगा तो इलाज नहीं हो पाएगा। अच्छा इस गांव का नाम क्या बोले थे आप लोग? ताजा माजरा। तो गांव की स्थिति है, लोग बता रहे हैं कि जो लोग जीत कर जाते हैं दोबारा आते नहीं हैं। ये गांव में कई समस्याएं हैं, गंदे पानी का निकास नहीं हो पाता है। इनका एक चौपाल जो धरोहर के रूप में बाप दादा का जो है बना हुआ है, लोग सामाजिक कार्यक्रम यहाँ करते हैं, लेकिन कोई इनको फंड नहीं देता है, जिसके कारण यह जर्जर स्थिति में है। तो इनकी मुख्य समस्या है। और बाकी चुनाव का इस बार है तो इस बार बीजेपी सरकार से लोग खुश नहीं हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग कांग्रेस को इस बार कांग्रेस पर भरोसा करेंगे। बाकी उन्होंने कहा है कि जो भी उम्मीदवार आएंगे उसके अनुसार हम प्रयास करेंगे कि किसको वोट करें। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आप लोगों ने बताया क्या समस्या था। बहुत बहुत धन्यवाद।